तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप देख रहे हैं इसरा टेलीकॉम। मैं हूं देवव्रत अग्रवाल आपके साथ फिर से एक बार और टूल्स के बारे में जानकारी लाते हुए। दोस्तों आज जो हम आपको टूल्स बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं EMMC से रिलेटेड। अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है, कोई भी टेक्नीशियंस अगर मैं कहूँ ये वीडियो देख रहा है और अगर वो EMMC का काम करता है या करना चाहता है तो ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हो सकता है कि कुछ एक नए टूल्स के बारे में आपको पता चल जाए। हो सकता है कि आपको अगर नहीं पता टूल्स के बारे में तो वो जानकारी आपको पता चल जाए, क्योंकि हमको या आप एक नई शॉप खोलना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से टूल्स आपको लेने चाहिए, कौन से टूल्स नहीं लेने चाहिए। हालांकि नहीं लेने वाली कैटेगरी मैं जो बता दूंगा आपको, हालांकि इसमें मैंने आपको सिर्फ वही टूल्स बताए जो लेने चाहिए, उनसे कुछ रिलेटेड बता दूंगा कि क्या नहीं आपको रिकमेंड जो मैं हो सकता है मेरी तरफ से मैं करूँगा। तो मैंने इसमें IC से ग्लू कटिंग से लेकर सब कुछ मैंने टूल्स डाले हैं। IC निकालने से, IC लगाना, ग्लू कटिंग के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको। तो वीडियो के साथ बने रहिए और पूरा वीडियो को वॉच कीजिए। और सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन इसलिए दबाइए क्योंकि अगर हमने टूल्स से रिलेटेड वीडियो तीसरा डाला या और भी किसी चीज़ के रिलेटेड डाला तो आपको आ जाए उसकी नोटिफिकेशंस और आप उसको आगे देख लें। दोस्तों होता ये है कि कई बार मेरे बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इसके बारे में फुल वीडियो बना दो, उसके बारे में फुल वीडियो बना दो, और जबकि हमने ऑलरेडी बहुत से वीडियो बनाकर हम ऑलरेडी एक जन ने मुझसे पूछा सर DLL एरर क्या होता है उसके बारे में वीडियो बना दीजिए। सो DLL एरर के बारे में हमने वीडियो बनाया है और ऑलरेडी डाला हुआ है। मैं आपको एक छोटी सी स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ, फिर मैं आपको टूल ले जाऊंगा। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन? इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन? थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। इसी स्क्रीन साइड में शेयर हो रही होगी तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये हमारा फेसबुक का, इसके बारे में मैं चलिए आगे आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि किस तरह से अगर आपको जो हमारे स्टूडेंट नहीं है फिर भी आपको एशिया टेलीकॉम से अपडेट लेने हैं, हमारे सारे टीचरों से अपडेट लेने हैं, तो किस तरह से आप हमसे कनेक्ट रह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको ऊपर टाइप करना है, मैं नीचे लिंक दे दूंगा अपने चैनल के, हालांकि उसी चैनल में आप देख रहे हैं। सो यहाँ पर आपने वीडियो लिस्ट में जाना है, मतलब आपको चैनल ओपन करना है और ये वीडियो को टिक करना है, और वीडियो को टिक करेंगे तो आपको वीडियो लिस्ट मिल जाएगी और आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि यहाँ पे कितने सारे वीडियो डले हुए हैं, कितने सारे वीडियो यहाँ पे डले हुए हैं। और यहाँ पर हम बात करें तो वीडियो यहाँ पर कम से कम 500 से ज़्यादा यहाँ पर वीडियो हमने यहाँ पर डाल के रखे हुए हैं, 500 से ज़्यादा हमने यहाँ पर वीडियो डाल के रखे हुए हैं अगर हम वीडियो की यहाँ पर बात करें तो। तो दोस्तों ये चैनल काफ़ी हमारा पुराना है और काफ़ी हमने इस पर वीडियो डाले हुए हैं, हमारे 1.5 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर हैं, काफ़ी अच्छे यहाँ पर हमारे साथ जो जेन्युइन व्यू हैं हमें वो ही मिलते हैं, जो बच्चे सीखना चाहते हैं वो चैनल को देखते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ हमने डाली है, हमने अपने इंस्टीट्यूट के बारे में तो बताया ही, साथ में अपने स्टूडेंट के काम के बारे में बताया, तो इसको ज़रूर चेक कीजिएगा। और जैसे यहाँ पर देखिए हमने ओप्पो का FRP या जो भी है हमने डाला, ये हमारे EMMC से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे सो EMMC से रिलेटेड हमने बहुत सारे यहाँ पर अपने वीडियो डाले हुए हैं कि किस तरह से हमारा बच्चा यहाँ पर आके पढ़ा और किस तरह से वो यहाँ से सेटिस्फाई है, सारी चीज़ें तो ये ज़रूर देखिएगा, वीडियो लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। चलिए मैं बात करता हूँ टूल्स के बारे में, क्योंकि वीडियो है टूल्स के बारे में, क्योंकि सडनली मुझे इसके बाद इस वीडियो के बाद मुझे अपना ऑनलाइन क्लासेस देनी है। हमने नया चालू किया है, हम अपने स्टूडेंट को जो बैकअप सपोर्ट है उसको वीडियो कॉलिंग के थ्रू, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनको नए नए डायग्राम्स में उसको अपडेट कर रहे हैं और जो भी उनके सवाल हैं उनके जवाब हम उनको ऑनलाइन वीडियो के थ्रू दे रहे हैं। ये फैसिलिटी सिर्फ हमारे स्टूडेंट के लिए है जो हमसे कोर्स करके गए हुए हैं। तो सबसे पहले टूल में जो हो सकता है कुछ टूल रिपीटेड हो, क्योंकि टूल तो सारे सेम ही हैं, पर यहाँ पर मैं सिर्फ एक प्रो वर्जन के टूल की बात करूँगा। तो ये है माइक्रो सोल्डिंग स्टेशन, जैसे कि मैंने बताया आप माइक्रो सोल्डिंग स्टेशन आपको लेना ही पड़ेगा EMMC अगर आप करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम कम टेम्परेचर पे भी काम करते हैं और ज़्यादा टेम्परेचर में भी काम करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और इसके साथ में ये जो है ये इसका स्टैंड होता है, ये आप अलग से भी लीजिएगा, और इसके साथ जो आपको स्पंज आ रहा है वो भी आप जरूर लीजिएगा। इसका क्या काम है मैं आगे बताऊँगा। बेसिकली ये आपके टिप्स के जो कार्बन होता है उसको क्लीन करता है, तो ये आप लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों इसमें मैंने जो फोटोज़ डाली हैं वो सिस्टमेटिक नहीं जमी है, कोई सी फोटो कभी भी आ सकती है, इसलिए मैं सारी फोटो को एक्सप्लेन करते हुए जाऊंगा।
ये होता है हमारा माइक्रो जम्पर वायर। जब आप किसी ईएमसी को निकालते हो और ईएमसी को निकालने का अगर आप देखते हो कि भाई वो लोगों पर रीस्टार्ट या वो डैड फोन है, रीजन ये हो सकता है किसी रैम का जो पैड है वो निकल गया हो या ईएमसी से जो कनेक्शन है वो निकल गया हो, तो पैड ही पूरे जब निकल जाते हैं तो उसको नया पैड बनाने के लिए हमको माइक्रो जम्पर की जरूरत होती है। ये माइक्रो जम्पर जनरली जो इसका एमएम होता है वो 0.01 mm का थिकनेस होता है इसका, और ये काफ़ी पतला होता है और ये कंटिन्यूटी मोड पे होता है, मतलब इसको आप नॉर्मल जंपर में यूज़ नहीं कर सकते, ये इसके अंदर कंटिन्यूटी रहती है। बट हालांकि इसको भी ऊपर इसका इंसुलेशन पर हटा के हम इसको लगाते हैं उस साइड, तो ये आप ले सकते हैं दोस्तों। ये अगला जो है ये है आपका डी सोल्डर वायर, इसको डी सोल्डर वायर, कुछ लोग इसको गुडविक या कई लोग इसको गुडविट पता नहीं और बहुत सारे लोग इसको क्या क्या नाम देते हैं। सो बेसिकली ये डी सोल्डर वायर है और डी सोल्डर वायर की खासियत क्या होती है कि ये आपके जो जब आप आईसी निकालते हो तो आपने देखा होगा आईसीओ का जो सोल्डर होता है जो उसका रंगा होता है वो आईसीओ के नीचे लगा रहता है, तो उसको क्लीन करने के लिए काम आता है। अब आप इसमें एक चीज़ नोटिस करना कि इसमें जो ये जो सस्ता वाला अगर आप परचेस करेंगे इसको, तो इसके जो रेसो होते हैं, इसके जो धागे होते हैं वो जनरली बहुत जल्दी निकल जाते हैं। अगर आप में से किसी ने इसको लिया होगा ऐसा सस्ता वाला और बाकी में उसके निकले होंगे, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ ये हुआ है। आप इसको अच्छा परचेस करेंगे, अच्छी क्वालिटी का परचेस करेंगे तो ही आपके लिए ये बेस्ट होगा। सो कम से कम 100 रुपये से ऊपर ये परचेस कीजिए, और बहुत सारी कंपनी मैकेनिक आजकल हर कंपनी बना रही है ये दोस्तों। ये है आपकी डीसी एम्पियर, 5 एम्पियर का आपको ईएमसी में ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो डीसी एम्पियर है। जब आप ईएमसी लगाते हैं और जब आपने प्रोग्रामिंग कर ली है उसको लगाने के बाद अगर बैटरी आपकी मान लो डिस्चार्ज है तो आप उसे इस डीसी एम्पियर से उसको चालू कर सकते हैं। और डीसी एम्पियर सिर्फ खाली इसके लिए नहीं है कि आपके फ़ोन को चालू करे, ये आपके फ़ोन को बताती है कि कितना ये आपका एम्पियर ले रही है, क्या ये अब नॉर्मल बूट कर रहा है, नॉर्मल बूट कर रहा है, शॉर्टिंग, हाफ शॉर्टिंग, सो सब तरह की चीज़ों को ये एक्सप्लेन करती है। और इवन शॉर्टिंग में भी बहुत ज़्यादा ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, तो ये आप ले सकते हैं दोस्तों। ये है आपके जो ब्लेड्स होते हैं, नंबर वन जो ब्लेड्स होते हैं जनरली जब हम माइक्रो जंपरिंग करते हैं, माइक्रो जंपरिंग करने के टाइम पे जब वो माइक्रो जंपर को काटने के लिए जो ब्लेड आते हैं, सो उस टाइम पे ये 11 नंबर का ब्लेड हम यूज़ करते हैं, 11 नंबर का ब्लेड। तो ये आपको 11 नंबर का ब्लेड आपको लेना है, और ये जो 21 और 22 नंबर का जो ब्लेड आपको दिख रहा है ये जनरली आप यूज़ कीजिए जब आईसीओ की आपको जब आपके पास ड्रिलिंग नहीं है, ड्रिल मशीन नहीं है, और जब आईसीओ के ऊपर का परत हटानी है जैसे एरर 9, सो एरर 9 के टाइम पे भाई जितना तक ड्रिल हो गया उतना कर लिया, उसके बाद में फिर आपको इसी से करना पड़ता है धीरे धीरे हाथों से, तो उसकी एक एक लेयर हटानी पड़ती है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है 22वें नंबर का। तो ये आप परचेस कर सकते हैं, इसको बोलते हैं 22 नंबर ब्लेड, तो इसको बोलते हैं 11 नंबर ब्लेड, तो ये लीजिएगा। इसके साथ ये टूल्स भी आता है, मैं भी वो भी आपको दिखाने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। ये है 183 का पीपीडी पेस्ट, ये यूज होता है रिबॉलिंग के टाइम पे, और ये नॉर्मली हमारे जितने एंड्रॉयड के फ़ोन होते हैं उनका जो टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस होता है, तो बेसिकली उसके रिगार्डिंग ये टूल्स ये जो आता है पीपीडी आता है, सो ये जरूर परचेस कीजिएगा। इसके साथ एक लो टेम्परेचर का 138 का जरूर परचेस करिए, वो जरूर मैं इसको बाद आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा होता है। कई बार क्या होता है कि जब हम हार्ड पेस्टेड ग्लू आईसी को साफ क्लीन करते हैं तो उसका जो पेस्ट है वो काफ़ी हार्ड होता है, तो अगर उस पर आप वो लो टेम्परेचर का उस क्योंकि पेस्ट में ऑलरेडी सोल्डरिंग भी मिली होती है, मतलब रंगा भी मिला होता है, सोल्डरिंग के भी आपको वहाँ पे दिखते हैं, और तो जैसे ही आप उसको लो टेम्परेचर के साथ मिला के थोड़ा सा हीट करेंगे तो वो लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर के साथ मिलकर वो पेस्ट को नरम कर देता है, जिससे वो बहुत आसानी से ही नॉर्मली आयरन से भी वो पेस्ट निकल जाता है, तो ये आप ले सकते हैं। ये है आपका बूम स्टैंड कैमरा, इसको बूम स्टैंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं दोस्तों। बूम स्टैंड का मतलब ये होता है कि ये जो आपका माइक्रोस्कोप है एक कहीं कॉर्नर पे आके लग जाएगा, उसके सामने आपकी टेबल के सामने जो नीचे है उसका इस तरह का ये जो आपको दिख रहा होगा बेस, वो बेस नहीं होगा, मतलब नीचे बिल्कुल आपको प्लेन होगा, आप नीचे अपने टूल्स रख सकते हैं और आपका कैमरा आपके ऊपर होगा, आप अपने कैमरे को इधर और साइड और इस साइड आप दोनों साइड उसको मूव कर सकते हैं। तो ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो मैं बिल्कुल आपसे कहना चाहता हूँ ये बिल्कुल नहीं ले, क्योंकि ये दोस्तों किसी भी काम का नहीं है।
जनरली इंडिया के अंदर जो टेक्नीशियन अपने टेबल बनाते हैं वो टेबल की लेंथ बहुत कम रखते हैं। जैसे आप मेरी पीछे टेबल देख रहे होंगे तो मेरी लेंथ इतनी है यहाँ तक, और जनरली जो यूएस में है और जो बाहर के कंट्री में होता है उनकी टेबलों की लेंथ बहुत बड़ी होती है। अगर आप बड़ी लेंथ की टेबल रख रहे हैं तो आप ये ले सकते हो, ये फायदेमंद हो सकता है, पर क्योंकि टेबल ही इतनी कम लेंथ की होती है और जो उसकी चौड़ाई होती है, उसकी जो चौड़ाई होती है वो काफ़ी कम होती है, और लंबाई तो कह रहा है वो कितना भी रख लो पर जो चौड़ाई होती है वो कम होती है। सो इस रीज़न से अगर आप ये उसको सेटअप करेंगे तो आधा तो टेबल यही घेर लेगी और फिर ये कहीं ना कहीं उतनी अच्छी नहीं लगेगी जितना आप इसको रखने के बारे में सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उतनी खास नहीं है, पर हाँ आपके पास अच्छा बजट है, आप इसको लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। 24-25 हज़ार से ये शुरू हो जाती है विदाउट कैमरा, उसके बाद 35 हज़ार 40 हज़ार में ये विद कैमरे भी ऑप्शन मिल जाते हैं, और कैमरे में भी काफ़ी ऑप्शंस आते हैं इसके अंदर, क्योंकि उसमें पिक्चर्स के क्वालिटी होती है, 20 मेगापिक्सल्स का, 24 मेगापिक्सल्स का, या कौन सी पिक्चर्स का लेना चाह रहे हो, या आप VGA चला रहे हो या HDMI चला रहे हो। दोस्तों ये है BGA किट, पहले आती थी, अब आती है नहीं आती ये पता नहीं, क्योंकि मार्केट में हालांकि अभी भी आती होगी। जो नए यूजर्स हैं जिन्होंने पहली बार रिबॉलिंग सीख रहे हैं वो जनरली ऐसी किट ले आते हैं। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है, इसके अंदर आपको इसी किट का, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोचू का है, तो इसी के अंदर ये कोचू कंपनी का, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोचू का नहीं है पर जो हमने एक बार लिया था वो कोचू कंपनी का था, तो उसी का आपको फ्लक्स मिल जाएगा, उसी का डी सोल्डर वायर, और ये जो होता है ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है दोस्तों, ये मैं आगे भी बताने वाला था। इसको स्प्रेडर बोलते हैं बेसिकली, और ये क्या काम करता है, ये आपके PPD, जब आप PPD लगाते हो तो जनरली लोग हाथों से लगा देते हैं स्टेंसिल के ऊपर, तो हाथों पर मत लगाओ, हाथों को क्यों इतना केमिकली PPD यूज़ कर रहे हो, फिर खाने में भी वही जाएगा, कितना हाथ धोगे आप। तो बेसिकली आपको ये यूज़ करना है PPD फैलाने के लिए, काफ़ी अच्छा है ये, और ये इस तरह का एक बेस, एक कॉम्पोनेंट, एक बेस कंपार्टमेंट, तो इस तरह से ये बेड प्लेट, तो दोस्तों ये ब्लैक कलर की बेस प्लेट आती है जिसके अंदर IC के खाचे बने होते हैं, जो जनरली किसी काम की नहीं होती है, जनरली ये IC के खाचे इसलिए आते हैं ताकि उस पर आप UMC रख के उसके ग्लू साफ कर सको। ये होता है हीट रेजिस्टेंट मैट, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप इसको परचेस कर सकते हो, और ये इसमें माइक्रोस्कोप लगने की जगह नहीं है, इसमें माइक्रोस्कोप वाला भी आता है, थोड़ा महंगा आता है, आपने देखा होगा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। यह है PPD, और जैसे कि बताया 180 डिग्री सेल्सियस PPD नॉर्मल, ये आपका, ये आपको लेना पड़ेगा ही, यह बहुत ज़रूरी है, ये आपका यूनिवर्सल स्टैंड आजकल ये सभी चीज़ों को सपोर्ट करता है, इसमें iPhone की PCB लगा लो, किसी भी PCB को लगा लो, काफ़ी इसमें जो इसकी चौड़ाई होती है और जो इसकी लंबाई होती है काफ़ी ज़्यादा है, और इसकी जो बॉडी होती है वो हीट सिंक बॉडी होती है, बस जनरली वो टेम्परेचर जो आपकी हीट होती है, जो अदर हीट जब जहाँ जा रही है, जैसे सपोज पूरी की पूरी हीट PCB में जा रही है तो ये हीट को भी सोख लेता है, तो जनरली PCB में भी जो जनरली दोस्तों, तो क्या होता है जब आप हीट देते हो PCB के ऊपर तो पूरी जो हीट होती है वो PCB के नीचे आ जाती है, तो जनरली नीचे के कंपोनेंट और IC पर इफेक्ट पड़ने लगता है, पर ये हीट को सोख लेता है हीट सिंकिंग की वजह से, और आपकी PCB को डैमेज होने नहीं देता है। और इसके साथ ये जो खाचे हैं ये आप इसमें अपने IC को रखकर ग्लू साफ करने के लिए बनाए गए हैं। अब ये टूल्स ये बहुत अच्छी है, इसमें आपको क्या क्या मिल सकता है मैं आपको बता दूं, तो ये ट्विजर है IC को पकड़ने के लिए, इसको बैंड ट्विजर बोलते हैं, सेम चीज़ PPD फैलाने के लिए स्प्रेडर यूज़ किया जा रहा है, 11 नंबर का ये आपका ब्लेड है, फिर यही IC को रिमूव करने के लिए इसमें यहाँ पर आपको स्क्रैपर मिल रहा है, और ये आपका बैंड ट्विजर है, ये नॉर्मल आपका स्ट्रेट ट्विजर है, ये वाला ट्विजर सनशाइन का काफ़ी अच्छा है, ये वाला बिल्कुल परचेस कीजिएगा, ZS मलिक से आप इसको खरीद सकते हैं, एशिया टेलीकॉम को सब्सक्राइब करके आपको कुछ 10% डिस्काउंट सारे टूल पे मिल जाएंगे, और ये ग्लू काटने के लिए बहुत अच्छा चीज़ है, और उसके बगल में सेम चीज़ स्प्रेडर यहाँ पे दिया हुआ IC को निकालने के लिए है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये है रोजिंग, इसको आप रोजिंग बोल लो, इसको आप वाइड स्मोक बोल लो, ये हाफ सॉर्टिंग और फुल सॉर्टिंग निकालने के लिए काफ़ी काम में आता है, और साथ में ये काम में आता है, कई लोग इसको ICU के नीचे लगाते समय भी इसको यूज़ करते हैं, जनरली लोगों को लगता है कि इससे IC हिलती नहीं है, पर मैं आपको बताऊं अगर आपको IC लगाने का ट्रिक आता है या आप अच्छे से सीखोगे तो आपको ऐसा कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप किसी भी पेस्ट में IC को बैठा सकते हो। तो ये वही है IC को, ये जो टूल्स होते हैं PPD फैलाने के लिए और मोबाइल फ़ोन खोलने के लिए, मोबाइल ओपनर आप इनको बोल सकते हैं, बाकी इनका PPD फैलाने का भी काम कर सकते हैं। ये कटर होते हैं, और बेसिकली इसमें अलग अलग डिज़ाइन के कटर आते हैं, कोकोडाइल कटर और बहुत सारी कटर इसमें आते हैं, तो उससे आप केन वेन काटने का काम कर सकते हो, काफ़ी अच्छे कटर हैं ये आपकी स्टेंसिल है, इसको ब्लैक स्टेंसिल बोलते हैं, और ये काइनली की स्टेंसिल है,
सो बेसिकली ये काइंडली की जो स्टेंसिल है ये 2D स्टेंसिल है, ये काफ़ी अच्छी स्टेंसिल है, अच्छी क्वालिटी मनी आती है, या बिल्कुल परचेस करें लॉन्ग टर्म चलेगा। इसमें ऑलमोस्ट सारे बीजे हैं BGA22, ये आपका इसमें ऑलमोस्ट सारे बीजे हैं, BGA254 भी इसमें दिया हुआ है। और क्योंकि इससे पहले जो वीजे आते थे जैसे कि 186, तो वो वैसे वीजे उसमें ऑलरेडी, सो इसमें ऑलमोस्ट जो रनिंग बीजे हैं, तो दोस्तों इसमें जो ऑलमोस्ट रनिंग बीजी हैं वो सारे बीजी हैं, जैसे BGA254 या BGA221 जो बात करें, BGA153, तो ये सारे BGA169, तो सब कुछ इसमें इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। काफ़ी अच्छी 2D स्टेंसिल है, बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है, मैं खुद ही इसको यूज़ कर चुका हूँ और करता हूँ, और ये थोड़ी आपको महंगी पड़ेगी बट बहुत अच्छी है, मैं बता वन टाइम यूज़ है ये ऑल टाइम। और ये आपके कुछ माइक्रोस्कोप हैं, जैसे यहाँ पर मैं बात करूँगा, ये सनसाइन हो गया, मिडास हो गया, या फिर मैकेनिक हो गया, इसके ऊपर भी बहुत सारे माइक्रोस्कोप आते हैं, तो माइक्रोस्कोप आप ये ले सकते हैं, ये आपको मिल जाएंगे 11,000 10,000 से ऊपर से रेंज के, फिर ये अपनी अपनी कैटेगरी के हैं, क्या लेंसों की क्वालिटी है, सारी चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। इसमें जो कैमरा, आप कैमरा ऑप्शन लेना चाहते हैं या विदाउट कैमरा ऑप्शन लेना चाहते हैं, तो ये ज़रूर लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आपको EMC करना है, ये एक हमने ये हमारे एक स्टूडेंट का एक फ़ोटो है जिन्होंने टूल जो क्लास में बैठकर टूल की एक लिस्ट बनाई थी, कि जैसे स्टेंसिल, बैंड ट्विजर, स्ट्रेट ट्विजर, मल्टीमीटर और मैट, SMD मशीन, सोल्डिंग आयरन, PPT, डी सोल्डर वायर, नॉर्मल पे, थिनर, बोटल, DC मशीन। तो जनरली क्या होता है, जो फ्रेशर आता है उसके लिए हर चीज़ को नोट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हर चीज़ दिमाग में स्टोर तो की नहीं जा सकती। सो यहाँ पर ये जो है ये आपका USB 6 पोर्ट आपका चार्जर है, और एक तरह से चार्ज करने के लिए ही है, बट यहाँ पर ये डिस्प्ले में आपको बताता है कि कितना एम्पेयर ये खा रहा है, तो ये बहुत आसान है, और इसका पूरा एक वीडियो मैंने बनाया है, आप इसको वीडियो लिस्ट में जाइए देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कैसे काम करता है। मैं सच बताऊँ, अगर आपके पास में आपको पता नहीं आपकी चार्जिंग IC काम कर रही है कि नहीं कर रही है, तो ये बिल्कुल 110% आपको बता देगी कि आपकी चार्जिंग IC काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये है SMD मशीन, सबसे बेस्ट SMD है ये, क्विक 857DW+, और सबसे अच्छी मशीन है, तो ये परचेस करो। जीरो पे हीट रख कर आप अच्छे अच्छे कनेक्टर, इससे सारे कनेक्टर निकाल लो, तो सारे वर्क कर लो, तो आईफोन वाले भी यही प्रेफर करते हैं इसको। ये भी एक अच्छा टूल है दोस्तों, ये स्क्रैपर बोलते हैं इसको, तो ये इसमें ICU को निकालने के लिए काम करते हैं। बेसिकली जो हम आईफोन के भी जो CPU होते हैं उसके जो RAM की लेयर होती है, या फिर हम बात करें जो CPU उसको भी निकालने के लिए हम इन्हीं स्क्रैपर का यूज़ करते हैं। ये स्क्रैपर से थोड़े और अच्छी क्वालिटी में है, काइंडली के स्क्रैपर आ जाते हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। इसको थोड़ा सा आप और सैंड पेपर में अगर घिस के थोड़ा सा और स्मूथ कर लोगे, तो क्या होता है इनकी शार्पनेस होती है, अगर आप ICU के अंदर डायरेक्ट स्क्रैपर डालोगे तो वो आपके ट्रैकों को निकाल देगी, तो अगर आप उसको थोड़ा सैंड पेपर से उसको क्लीन कर लोगे, रगड़ लोगे थोड़ा सा, तो वो स्मूथ हो जाएंगे और वो आपके आपके ट्रैक ओपन नहीं करेंगे। ये होता है डी सोल्डर होल्डर, इसको बोलते हैं डी सोल्डर होल्डर। एक तरह से क्या होता है कि डी सोल्डर वायर कई लोग पकड़ कर फिर उसको जब IC को क्लीन करते हैं तो उनका वो गर्म हो जाता है, फिर उनका हाथ हाथ में इफेक्ट पड़ता है, गर्मी आती है बेसिकली, कई लोग ट्विजर से पकड़ लेते हैं इसलिए। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसमें ये ख़राब भी नहीं होता और ईजिली निकल जाता है, जितना चाहिए उतना मिल जाता है। ये भी स्क्रैपर हैं, काफ़ी अच्छे स्क्रैपर हैं ये भी। ये आपका है ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन क्यों ज़रूरत होती है, अब ड्रिल मशीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे ओप्पो के जो इस तरह से केसिंग आ रहे हैं जिनको, जिसमें कहीं भी साइड में कोई भी ऐसा नहीं है जहाँ ट्विजर फंसा लिया और उसको निकाल लिया या फिर कटर से निकाल लिया, तो उसका थोड़ा सा साइड को ड्रिल किया जाता है, और ड्रिल करके कटर से उसके साइड का एक हिस्सा को काट कर फिर उसको कटर से निकाला जाता है। क्योंकि जनरली अभी के जो फ़ोनों को अगर हम हीट देकर निकालेंगे तो वो उसका CPU के अंदर के बॉल पेस्टेड होने के बाद भी काम ख़त्म हो जाता है और इस तरह से फ़ोन डेड हो जाता है। और ड्रिल मशीन बहुत और भी दूसरी जगह पे है, आप जैसे रीसेट की लाइन होती है जो डाटा रीसेट, जो आपकी जो आपकी डिस्प्ले की रीसेट की लाइन होती है जिस पर 1.8 वोल्टेज और रीसेट की जो फ्रिक्वेंसी आती है CPU से डायरेक्ट डिस्प्ले के कनेक्शन पे, ये भी आपको उसके भी टेस्टिंग पॉइंट, हर CPU के ऊपर आपको एक टेस्टिंग पॉइंट मिलता है, पर उसकी कुछ लेयर्स को हटाने पर, जैसे कि आपने R9 पे देखते हैं वैसा ही आपको CPU में ये मिल जाता है, और आप वहाँ पे इसको हटाकर आप इस ड्रिल मशीन का यूज़ कर सकते हैं, पर ड्रिल मशीन तभी यूज़ कीजिए जब आपने प्रॉपर ट्रेनिंग ली हो। दोस्तों ये एक टूल है, AE टूल है, जिससे हम ISP पिन आउट करके अपने कुछ ओप्पो के हैंडसेट हैं उनको हम उनका जो पैटर्न लॉक है वो रिमूव कर सकते हैं। ये AE टूल भी आप परचेस कर सकते हो, ये मैंने गूगल से फ़ोटो निकाली हुई है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको
वो जंपर करने होते हैं, जैसे क्लाउड डाटा CMD, जो आपका जो नॉर्मली आप जैसे क्लाउड डाटा CMD और VCC VCCQ, तो जो नॉर्मली आप ISP पिन आउट के लिए यूज़ करते हो, और इसका सेटअप आता है, और सेटअप में आप इसके डायरेक्ट वन शॉट पे इसके दोस्तों इसका सेटअप आता है, इसके सेटअप में आप इसको वन शॉट पे इसका जो भी पैटर्न है आप उसको इजीली रिमूव कर सकते हो। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद कीजिएगा कि आप फिर अच्छे से प्रॉपर कहीं जाके ट्रेनिंग ले लेना। तो ये ब्लेड होते हैं, इतने इतने प्रकार के ब्लेड होते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको जो यूज़ करना है वो यूज़ करना है 11 नंबर का ब्लेड। और देखिए उस ब्लेड को पकड़ने के लिए इस तरह से टूल्स आते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनकी, जो जो आपको टूल्स अच्छा लग रहे हैं उनकी स्क्रीनशॉट लेते जाइए, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छे तरीके से ये आपको कोई ऐसा कोई वीडियो में आपको ऐसा देखने को शायद ही मिले। सो यहाँ पर ये हम जो यूज़ कर रहे हैं 22 नंबर काफ़ी अच्छा टूल है IC के ऊपर उसको स्क्रैचिंग करने का, और 15 नंबर काफ़ी अच्छा है पर बहुत ज़्यादा शार्प है वो। तो यहाँ पर आप इनको ये वाले जो आपके ब्लेड होते हैं आप इनको यहाँ पर इसको लगा सकते हो। तो ये है UFI तो आप सभी लोग जानते होंगे, UMC कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो भैया पहले UFI सीखो फिर UMC करो। तो ये डी सोल्डर वायर, ये हो गया EG JTAG EMC प्रोग्रामर, और ये हो गया आपकी MMC स्टेंसिल्स, ये हो गया आपके ग्लू, आपके ग्लू हटाने का आपका ये एक लिक्विड है, इसको यूज़ मत करो, ये आपके हाथों को भी इफेक्ट करेगा और ये एक तरह का एसिड है ये मान के चलो, और आपके ट्रैकों को डैमेज करेगा। ये होता है कैंडली का, काफ़ी अच्छा है ग्लू कटिंग, आपके आपका स्क्रैपर है काफ़ी अच्छा है और ये बहुत अच्छा है, और ये 700-800 का कुछ होगा, तो मेरे हिसाब से ये ज़रूर परचेस करो अगर आप काम करना चाहते हैं अच्छे तरीके से। तो ये है हीट रेजिस्टेंट टेप, आप आगे पीछे लगा सकते हैं, इसमें आपके एल्यूमिनियम टेप भी आता है, ये हीट रेजिस्टेंट टेप है, और इसके बाद है एल्यूमिनियम टेप भी आता है, वो भी काफ़ी अच्छा टेप है। तो दोस्तों ये हीट रेजिस्टेंट टेप, इसके अलावा भी कुछ अलग टेप आते हैं वो भी काफ़ी अच्छे टेप हैं, ये आपके आपने देखा होगा कि किस तरह से बाकी सारी IC हाइड हैं तो उनको अतिरिक्त कोई भी हीट नहीं पड़ रही है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पर प्रोटेक्शन बना हुआ है, यहाँ पर हम देखेंगे ये IC है MMC, अब आपको MMC परचेस करना है तो आप MMC भी परचेस कर सकते हो, नीचे ZX मलिक का नंबर दिया जा रहा है। और ये जो पेस्ट है ये है 138 डिग्री सेल्सियस का पेस्ट, ये बिल्कुल परचेस करो, इसका बहुत अहम काम है। अब आप लोग मेरे से पूछेंगे तो उसके लिए तो आपको इंस्टीट्यूट आना पड़ेगा, सही तरीके से प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग हमको वहीं देते हैं। ये ड्रिलिंग मशीन है, सस्ते में आ जाती है, 600-700-800 हज़ार रुपये में भी आपको छोटे छोटे ड्रिलिंग मशीन मिल जाती है। ये वही स्क्रैपर हो गया, ये सस्ते टूल होते हैं IC वाले, तो दोस्तों ये बिल्कुल परचेस मत करो, जैसे मैंने बताया कि शुरू में कि कुछ टूल में ये भी बताऊंगा कि कौन से परचेस कौन से नहीं करने चाहिए, तो ये परचेस नहीं करने चाहिए। रीज़न क्या है कि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और टूट जाते हैं, आप इनका ऊपर का प्लास्टिक का जो सिरा देख रहे हो ये, फिर बाद में ये लगते ही नहीं है उसमें, तो ये सारे जितने भी जो स्क्रैपर ऊपर दिए हुए हैं सब बेकार हो जाते हैं इनके, और बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, ये आपके PCB को तो पूरा अंदर तक घुसा देंगे उसको। ये आपका सोल्डर, ये आपका PCB होल्डर है, ये बिल्कुल हैवी परचेस करना है, नहीं तो यूनिवर्सल परचेस कर लो। तो ये आपके जो SMD के नोजल्स हैं, तो नोजल्स क्यों, जैसे अगर मान लो आपको यहाँ पर कोई छोटा सा कॉम्पोनेंट ही निकालना है, या फिर आपको छोटी IC निकालनी है, या बड़ी या CPU निकालना है, तो आप इस तरह से नोजल यूज़ कर सकते हो। अब आप एक छोटी IC में बड़ा नोजल यूज़ करोगे तो फिर तो कॉम्पोनेंट उसके आसपास कहलेंगे ही, और अतिरिक्त जगह हवा एयर जाएगी, जिससे वो लूज भी हो सकते हैं और आपका PCB डैमेज हो सकता है। फिर ये सस्ते प्राइस में NT की है, वैसे ये MT की भी आती है, क्विक की भी आती है, अलग अलग है, इसके लिए नीचे आपको प्राइस दे दिए गए हैं, तो आप इसको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और काफ़ी अच्छी मशीन है ये भी, कम प्राइस में एक अच्छा दाम है। ये भी अच्छा एक सोल्डिंग पेस्ट है, तो मैंने इसलिए फोटो डाल दिया ताकि ये एडवांस क्वालिटी फ्लक्स को बोल सकते हो, इसमें जो हानिकारक धुआं होता है वो जनरली नहीं आता है, पर भी ये काफ़ी अच्छा फ्लक्स है, और मतलब बहुत अच्छा है IC को बिठाने के टाइम पे, ये बहुत मतलब हेल्प करता है एक तरह से, बहुत ज़्यादा उसको हिलाता नहीं है। ये आपकी नोजल की बिटें होती हैं, कि नाइफ बिट हो गई, स्ट्रेट हो गया, ये इस तरह से, तो ये बिटें होती हैं, तो ये बिटें काफ़ी काम में आती हैं, काम करते करते समझ में आता है। ये वही आपका स्प्रेडर जो PPD को फैलाने के लिए होता है। ये टाका फिक्सी होता है। अब टाका फिक्सी क्या काम करता है, अब जैसे मान लो कहीं पे आपको टाका लगाना है, टाका मतलब जंपर वायर,
अब मान लो वहाँ पे सोल्डर चुपक ही नहीं रहा है, चुपक ही नहीं रहा है, मतलब बड़ी जैसे रिंगर विंगर या कहीं सिम कनेक्टर लगा रहे हो या कहीं पे एमएमसी कनेक्टर, एमएमसी मतलब एचडी कार्ड कनेक्टर, तो वहाँ के कोई पिन विन उखड़ गई है, तो वहाँ पर अगर नहीं चुपक रहा है तो आपने थोड़ा सा बूंद ये डाला और उसके बाद में लगाया तो एक ईजिली एक सेकेंड में आपका काम हो जाएगा। ये स्पंज होता है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि सर मेरा बिट में कालापन कैसे रिमूव करें, तो भैया इससे रिमूव करो, इसमें थोड़ा पानी डालते रहो उससे रिमूव करो। तो दोस्तों ये कम्प्लीटली आपको मैं टूल्स का कुछ बताया और आप आई होप कि आपको पसंद आए। ये एमएमसी को लेकर है, कुछ आईफोन को लेकर भी टूल्स का बनाऊंगा वीडियो, बहुत जल्द आपके सामने लेके आऊंगा। अगर आई होप कि आपने वीडियो को हमारे दोस्तों आशा करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा और बेल आइकन जरूर दबाया होगा। अगर वीडियो वाकई में पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट करके बताना कि अच्छा लगा, और ये भी कमेंट करना कि क्यों अच्छा नहीं लगा, हालांकि सबको ही अच्छा लगेगा। इसके साथ छोटे से अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ में आप बहुत तरीके से, बहुत अलग अलग तरीके से जुड़ सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमको भी अपडेट चाहिए, तो जितना अपडेट हमको मिल सकता है हम उतना अपडेट आपको देने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो आप हमारे इसे टेलीकॉम में, आप हमारे जो फेसबुक है, आप हमारे फेसबुक से जोड़ सकते हैं, और फेसबुक में हमारा जो हमने अपने पेज नीचे शेयर किया हुआ है, ये हमारा मेरा जो देवेंद्र अग्रवाल ऑफिशियल पेज है, आप इसमें जाके इसको जोड़ सकते हैं। देखिए इसको खुल रहा है, तो जैसे ही ये देखिए, सो आप यहाँ जाके जोड़ सकते हैं। यहाँ पर हम अपनी हर चीज़ का अपडेट जो हम अपने स्टूडेंट को देते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट का अपडेट डालते हैं। जैसे कि अब देखा यहाँ पर हम किस तरीके से ओप्पो किस तरीके से जूम ऐप से हम लोगों को अपडेट कर रहे हैं। तो आप यहाँ से जाइए और इसको, इस पेज को लाइक कीजिए और इस पेज को फर्स्ट सी में डालिए ताकि आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाए। और उसके साथ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, सो मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, उसकी लिंक भी मैंने नीचे दे दी है, तो वहाँ जाइए और उसको सपोर्ट कीजिए और वहाँ जाके ऐड होइए। जितना आप ऐड होंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा और उतना ही आप सीख पाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए, और ये वीडियो डालने का कारण यही होता है कि जितना हो सकता है इसे टेलीकॉम आपको मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड के मैं हमेशा आपको सतर्क रहे कि आपको अपडेट करता रहे और आप लोग घर बैठकर भी कुछ ना कुछ जानकारी हासिल करते रहे। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया आपका। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन? इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन? थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। एक बार ताली बजा दो, इन्होंने परफॉर्म करना बहुत एक बड़ी बात होती है। कैसा लगा आपको यहाँ? तो भी मेरे को 6 साल 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। तो मतलब वही सारी चीज आप जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? तो बहुत कुछ हो जाता सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे, अलग लेवल में बैठे रहते हैं। कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में, बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना 1 महीने में कोई मिलना है, मेरे को 1.5 महीने की छुट्टी है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएंगे, बाबा चले जाएंगे, तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर आप कोई नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखाना है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हो? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, लेकिन दुकानदारी होगी सर। 10 साल हो गए मेरे को भी, अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन चार्जिंग सेक्शन मैं देखते ही रहता था, वैसे ही अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था। आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओगे। सर जैसा सोचा था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पढ़ाने पर, अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया नंबर इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चे लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे हैं, ना कि फेक, वो एहसास हो जाता है सर।
कि बच्चे लोग को देख के लग रहा था कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है, जो भी बोल रहे हो वो दिल से, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर पीसीबी जो होती है ना, हमारी मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है। अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। हाँ, पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के ही रहे हैं। सही बात, पता नहीं चलता मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल है तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें। तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है, और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो अच्छा भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट करते, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे हमको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे, तो मैं यहाँ पे गए तो दो तीन स्टूडेंट थे, उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है नॉलेज नहीं है। हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ दावे में सब कुछ बना मिलेंगे। अच्छा तो लगता था एक हिसाब से, हाँ वीडियो देख के नॉलेज मिले। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा था तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल वो आ गया कॉन्फिडेंस। रिपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई टायर निकाले, बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सर इसका ईमेल से और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगाया, दोबारा लगा, और मेरे को अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का। हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में लिखता था। उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने साल में सुना पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। हम फॉलो कर रहे हैं, मतलब हम बोले सर हमें पैसे नहीं दिए हैं, बोले मेरा फिर बोल रहा है वहाँ, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं। सर ये नहीं बोलते यहाँ हमें बोलना है कि हमें ये बोलना, नहीं जो हम बोल रहे हैं हम खुद का बोल रहे हैं, हमें प्रेशर नहीं है कि हमें बोलना नहीं है, बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो मतलब हमें ऐसा फील हुआ, हमें लगा हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा है उस चीज को सुना जाए, तो मैंने फिर वीडियो देखा और यहाँ पे आया, तो फिर चलता हूँ उनको सुना। तो आप सेटिस्फाइड सर? 100% सर्टिफाइड है, और यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और हर को फॉलो कर सकता हूँ सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा स्वाद आ सकता हूँ, उसमें मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। आगे चल के मेरा हौसला तो मैं अच्छा सा है कि उसको बोल सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अभी उसका काम की व्यवस्था भी मैं हर एक फॉलो कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं। तो हमारा भी पहला दिन था सर, हमने पूछा था, हाँ तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी कुछ नहीं समझ लगी इसके अंदर। हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था। और बैठू मैंने अच्छा ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज आपने फिर सुनी कल? हाँ सर, कल नए बच्चे जो आए थे। नहीं अच्छा, मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया, और मैंने यहाँ पर सबसे पहले मैं और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया, और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला वो ताजा कनेक्टर निकालने वाला मैकेनिक नहीं होता है, जिसका वो अंदर का उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Announcing 1001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps.
Link in description. I'm also 9001 on 2008 Certify Institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.